असलम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एमटेट 501 लीनियर अलजबरा के लेक्चर नंबर 11 से 15 पहले पांच लेक्चर्स में से 11 से 15 इन पांच लेक्चर में से आपके साथ एमसीक्यू इनके इनमें से शेयर करते हैं। मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज में और मिड टर्म के एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये तो कोई 100 के करीब क्विजेज हैं और एमसीक्यूज हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है एमटेट 501 का, ये हम लेक्चर 11 से 15 इन पांच लेक्चर में से कर रहे हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टू लीनियर कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन है -2 5 है इंटू एक्स और 3 1 इंटू 5 वाई। तो इसका जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट का होगा वो ये है, इसका ये आंसर ये देख रहे हैं -2 5 3 1, इस तरह से आ गया एक्स वाई, इस तरह से ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है R2'(R2+4R1)&R3'(R3-6R1) आर परफॉर्म्ड ऑन टू गेट। अब ये एक मैट्रिक्स है और एंड में देख रहे हैं आप टिल्डा भी है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये है, देख रहे हैं आप, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझा तो सकता हूँ आंसर, लेकिन ये 100 के करीब है एमसीक्यूज हैं, तो मैं अगर इस तरह समझाने लगूँ तो ये तो कई घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताता जाता हूँ। अगर कहीं मुझे डाउट हुआ कि वैसे तो मैं 100% करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, कहीं डाउट हुआ तो मैं बता दूंगा कि हाँ मुझे डाउट है, तो मेरे 99% मेरे आंसर करेक्ट ही होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वुड परफॉर्म इन ऑर्डर टू गेट। अब ये दो हैं, ठीक है, इन दोनों का ये है करेक्ट आंसर R2'(R2+4R1) R3'(R3-6R1), ये इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट आगे ये इस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है -2 3 5 1 × xy = b1 b2 एज ए सोल्यूशन फॉर ऑल b1 b2 belongs to R, देन b1 b2 belongs to क्या होगा, तो ये होगा स्पैन -2 5 3 1। ये देखें इन दोनों का, ये इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। ये मैं अपना ज़ाती डाटा जिससे मैं तैयारी करके ये क्विजेज वगैरह अपने अटैम्प्ट करता था ना, ये मैं आपको वही अपने वीडियोस में दिखाता हूँ जो मैंने अपने खुद तैयारी करके दिया हुआ होता था। और देखो नेक्स्ट है द इक्वेशन, ये इक्वेशन है पहले उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, विल हैव द सॉल्यूशन ओनली इफ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखें -2 5 इस तरह 3 1 और 7 और इस तरह x इसके साथ और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका करेक्ट है, ये आप जहन नशीन रख लें। नेक्स्ट आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लीनियर कम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू, तो कौन सा इनमें से लीनियर कम्बिनेशन होगा इससे जो करस्पॉन्ड करेगा, वो ये होगा -2 5 × x और 3 1 × y, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे है इफ द इक्वेशन इक्वेशन हैज़ द सॉल्यूशन फॉर ऑल b1 b2 belongs to R, देन -2 5 and 3 1 will span, ये स्पैन करेंगे आर स्क्वायर को, स्पेस को स्पैन करेंगे, ठीक, टू डायमेंशन में है ये। नेक्स्ट आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री वेरिएबल्स पैरामीटर इन ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो ये इसका आंसर, दे गारंटी द कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आगे है n × n रियल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द स्पैन ऑफ द रो ऑफ ए इज R n,
तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। ये जहाँ पे रेड टिक आ जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिवट पोजिशंस द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है विल हैव, इसकी कितनी पिवट पोजिशंस हैं, इसकी तीन पिवट पोजिशन है, ये थ्री करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तीन कॉलम है वो तीनों ही जो है ना कि तीन, वो तीन पिवट पोजिशन है इसकी। नेक्स्ट आ गया एक इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन फॉर ऑल बी वन बी टू बिलोंग्स टू आर देन बी वन बी टू बिलोंग्स टू, क्या होगा ये इसका आंसर है। ये पहले भी अभी ऊपर आया था, दोबारा रिपीट है ये क्वेश्चन। इस तरह से देख लिया करें, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम उसी तरह से, ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, आर टू डैश और आर थ्री डैश का आर परफॉर्म ऑन टू गेट, तो ये इसका जो है, जो मैंने पहले भी ऊपर क्वेश्चन आया दोबारा आया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री वेरिएबल पैरामीटर इन अ सिस्टम, अ लीनियर इक्वेशन द गारंटी द कंसिस्टेंसी, ये दोबारा रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म इन ऑर्डर टू गेट, तो इसका आंसर ये है, ये इस तरह से याद रखें आर टू डैश टू आर टू प्लस फोर आर वन, और या कॉमा है यहाँ पे आर थ्री डैश आर थ्री सिक्स आर वन, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका क्या होगा, वो ये इसका आंसर है, पहला कॉलम सेकंड कॉलम और एक्स वाई इस तरह, ये देख रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू, तो इसका यहाँ पे ये है, ये वही वाला शायद क्वेश्चन है ऊपर वाले, नहीं ये और है, 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 ये इसका है। नेक्स्ट है द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है विल हैव द सॉल्यूशन ओनली इफ, तो इसका ये आंसर है, माइनस साइन फोर माइनस सेवन और फोर और एक्स वाई इस तरह से मल्टीप्लाई होकर आ गया माइनस टू वाई, टू माइनस टू और फाइव थ्री और वन, ये है, इस तरह से इसके साथ मैच कर लिया करें। नेक्स्ट है इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन माइनस टू फाइव और थ्री वन विल स्पैन, क्या करेगा आर स्क्वायर, टू डायमेंशन में है ये। नेक्स्ट है इफ द इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर देन बी वन बी टू बिलोंग्स टू, क्या होगा ये स्पैन करेगा ये माइनस टू फाइव थ्री वन, ये। नेक्स्ट है एन इंटू एन रियल मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल इफ एंड ओनली इफ स्पैन द रोज और इट्स इफ द स्पैन ऑफ द रोज ऑफ ए इज आर एन, ये ऊपर भी आया था जहाँ पे वो फॉल्स था, उसमें ये फ़र्क था, यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये देखें ये देखें ये फॉल्स करेक्ट था। तो हाँ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू, ये इसका आंसर है। तो एक ये है इक्वेशन है विल हैव द सॉल्यूशन ओनली इफ, ये इसका करेक्ट है, ये इसका आर स्क्वायर टू डायमेंशन में है, ये इसका ये, तो ये वही आ गया रिसोर्स पैन, तो ये जो है ना इसको ना लेंगे फॉल्स है ये वाला इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये आर टू डैश और आर थ्री डैश का है परफॉर्म ऑन टू गेट, ये दोबारा से आया रिपीट होके,
ये इसका थर्ड वन जो है ये करेक्ट आंसर है। फिर ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वुड परफॉर्म इन ऑर्डर टू गेट, ये भी दोबारा से है, रिपीट है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये एक इक्वेशन है, ये भी ऊपर आया, सॉल्यूशन दोबारा रिपीट हो गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी पिवट पोजीशन, इसमें कितनी है, तो इसके तीन पिवट पोजीशंस हैं, तीन रोज हैं, ये इसका थ्री करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, थ्री करेक्ट आंसर है इसका ये वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू, तो माइनस टू फाइव और थ्री वन, ये होगा इसका। ये इक्वेशन है द सॉल्यूशन फॉर ऑल, तो इसका जो है ये आर स्क्वेयर स्पेस में होगा, विल स्पैन करेगा आर स्क्वेयर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री वेरिएबल पैरामीटर, तो गारंटी दी कंसिस्टेंसी, ये दोबारा रिपीट हुआ, पहले भी ऊपर आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीनियर कम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू दैट, माइनस टू फाइव और थ्री वन, माइनस टू फाइव और थ्री वन एक्स वाई, ये इसका है। लास्ट है, अच्छा है। ये क्वेश्चन यहाँ से देखें, ये साइन वाई प्लस साइन एक्स इक्वल टू वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश इक्वेशन, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है, देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है नॉन लीनियर, यहाँ पे आएगा नॉन लीनियर। ये क्वेश्चन है, सिंस ये वेक्टर है टू थ्री वन डज नॉट लाई इन द स्पैन वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो, देन द वेक्टर टू थ्री वन वन डबल ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो वन ज़ीरो आर एल आर, क्या होगा इसका ऑप्शन, ये इंडिपेंडेंट है, इसका आंसर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द वैल्यू ऑफ टी, इनमें से टी की वैल्यू क्या होगी, इफ़ ये टू ई की पावर माइनस थ्री टी और फाइव की पावर माइनस थ्री टी इज इक्वल टू टू फाइव, तो टी की वैल्यू होगी यहाँ पे इसका आंसर मिसिंग है, अच्छा नेक्स्ट है, ये एक मैट्रिक्स है ज़ीरो इज इक्वल टू है, इसके इक्वल टू ज़ीरो, देन नेक्स्ट की वैल्यू इसमें क्या होगी, जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू वन आएगी इसमें। तो ये क्वेश्चन है, सिस्टम इक्वेशंस है एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स टू कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री वेरिएबल पैरामीटर, ये पहले भी आया, दोबारा द गारंटी द कंसिस्टेंसी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पैन वुड बी द सॉल्यूशन सेट फॉर इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो नीचे जो दिया हुआ है कुछ स्पैन दिए हुए, तो ये किस पे करेगा, इनमें से कौन सा है सॉल्यूशन सेट इक्वेशन के लिए एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो पे आएगा, वो ये होगा इधर स्पैन माइनस टू वन और या वन बाई वन और माइनस वन बाई टू, ठीक है, ये होगा इसका। एक इक्वेशन है तो ऊपर पहले भी आया, दोबारा ये रिपीट हो गया है, इसका ये आंसर है नीचे, ये देखें इस तरह से माइनस टू फाइव और थ्री वन, माइनस टू फाइव और थ्री वन, ये यहाँ से थोड़ा सा मिस कटा हुआ है, ये है इसका आंसर। ये इसकी कितनी पिवट पोजीशन है, पहले भी आया है, इसका आंसर थ्री है, तीन कॉलम है इसमें, तीन इस पिवट पोजीशन, थ्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये दो मैट्रिक्स आपस में एक रो वाइज एक कॉलम वाइज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इसका इनका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये देखें इस तरह से, ये थ्री रोज और थ्री कॉलम है, सॉरी थ्री कॉलम और वन रो है, जब मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा थ्री इंटू थ्री, यानी कि ये रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी,
8 3 24 -3 4 -4 into 3 -12 5 3 15 इस तरह से आ गया। फिर ये इसके साथ करेगा फिर इसके साथ, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है ये पहले भी है दोबारा है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट है ये थोड़ा यहाँ से ये ब्लर है, आपको नज़र नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है पीछे द फॉलोइंग वुड बी वैल्यू ऑफ टी, तो ये ऊपर भी इसका आंसर वहाँ पे नहीं था, इसको सॉल्व नहीं किया हुआ शायद मैंने। ये क्वेश्चन है इसका आंसर है 1, एक्स इज इक्वल टू 1। इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये पहले भी है दोबारा, ए एक्स इज इक्वल टू 0 आंसर है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो एक और है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री वेरिएबल, ये दोबारा गारंटी दी कंसिस्टेंस, ये तीसरी चौथी दफ़ा आ रहा है रिपीट होकर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पैन वुड बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0, तो ये इसका होगा, ये दोबारा से रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन है। ये एक इक्वेशन है तो इसका जो हैगा ये देन बी वन बी टू बिलोंग्स टू किससे करेगा, ये करेगा देखें यहाँ पे आएगा माइनस टू फाइव और 3 1, ये माइनस टू फाइव और 3 1, ये फोर्थ वाला इसका है, ये पहले भी रिपीट हुआ ऊपर। नेक्स्ट है ये कितनी पिवट पोजीशन है, इसमें 3 पिवट पोजीशन है, ये 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट ये, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री वेरिएबल, दे गारंटी द कंसिस्टेंसी, ये रिपीट है यहाँ पे कुछ आंसर जो है। ये अब क्वेश्चन है कि पार्टीशन मैट्रिक्स ए सेट टू बी ब्लॉक डायगोनल इफ द मैट्रिसेस ऑन द मेन डायगोनल आर स्क्वेयर एंड ऑल अदर पोजिशन मैट्रिसेस आर 0, इसका आंसर है। ये हैंड आउट से लगा दिया, ये इसी का ही क्वेश्चन का पूरा, अदर ऑल अदर मैटर अपोजिशन मैट्रिसेस आर 0, 0 इसका आंसर है। ये हैंड आउट से स्क्रीनशॉट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एम इज इक्वल टू 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम, तो इनसे मैट्रिक्स एम का डिटरमिनेंट क्या होगा, वो 3 होगा। ये देखें ये हैंड आउट से वो तरीकाकार जो है उसको सॉल्व करने का यहाँ पे दे दिया, ये इस तरीके से ये 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दैट सिस्टम, तो ये देखें ये हैंड आउट से यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या होगा, इन्वर्जन मेथड अप्लाई होगा। ठीक है कौन सा ट्रू है, ये इन्वर्जन मेथड अप्लाई, ये करेक्ट आंसर है। तो ये देखें यहाँ पे ये हैंड आउट से स्क्रीनशॉट लगा दिया ये थ्योरम का नॉट 0 के लिए। नेक्स्ट है ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ वी ऐड ए मल्टीपल ऑफ ए रो टू अनदर रो, तो ये ट्रू है। ये देखें ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ वी ऐड ए मल्टीपल ऑफ ए रो टू अनदर, तो देखें ये रो ऑफ ए इज एडेड टू अनदर रो, ठीक है रिमेन सेम, डज नॉट चेंज होगा यहाँ पे है रिमेन सेम, ये ट्रू है। ठीक है ये थ्योरम ए पार्ट। नेक्स्ट है इफ द इन्वर्जन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट देन इट इज, ये यूनिक होगा, यूनिक इसका आंसर है। तो ये भी हैंड आउट से स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है, ये देखें एज ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है इनवर्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, नेक्स्ट है इफ ए इज ए ट्रांसपोज ऑफ ए वेर इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ए, वो आप अप्रोप्रिएट ये है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए पार्टीशन स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी डैश मैट्रिक्स इफ द मैट्रिसेस ऑन द मेन डायगोनल स्क्वेयर एंड ऑल मैट्रिसेस बिलो द मेन डायगोनल 0, ठीक है जी।
तो ये इसका ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ब्लॉक अपर, ये फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ये इसका आंसर है। ये हैंड आउट से स्क्रीन शॉट उसका आंसर का लगा दिया। नेक्स्ट है, ए मैट्रिक्स कैन बी सब डिवाइडेड इंटू सब मैट्रिसेस इन वेरियस वेज फॉर बाय इंसर्टिंग लाइंस बिटवीन सिलेक्टेड डैश एड कॉलम्स। तो ये देख लें, आर कॉल्ड रो, रो इसका आंसर है। बिटवीन सिलेक्टेड, ये देखें, बिटवीन सिलेक्टेड रोज, बिटवीन सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम, बिटवीन सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम, ये तो रो इसका आंसर है, ये रो वाला देख रहे हैं, ये पूरा आंसर ये वाला, यहाँ से लगा, ये दिया हुआ है। आगे है, इफ एम इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स हैविंग टू रोज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रू। तो ये हैंड आउट से स्क्रीन शॉट इसी का लगा दी है। तो ये होगा, टू रोज आर कॉलम इज द डिटरमिनेंट आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स इन 6x6 मैट्रिक्स, में कितने पिवट, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स होंगे। तो ये देखें, हैंड आउट से यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ से ये हैज एन पिवट पोजिशन होगी, जितने 6x6 है तो उसकी 6 पिवट पोजिशन होगी, 6 इसका आंसर है, ठीक है। ये हैंड आउट से ये यहाँ से ये देख। नेक्स्ट आ गया है, पार्टीशन मैट्रिक्स इज सेट टू बी ब्लॉक डायगोनल द मेन डायगोनल ऑल स्क्वायर अदर पोजिशन मैट्रिक्स आर, ये जीरो, ये देख रहे हैं, ये एंड में जीरो है, ये इसका जीरो आंसर है, ये है हैंड आउट से है, इसी में से ये देख क्वेश्चन बना। नेक्स्ट है, इफ एम इज एम का थ्री, एम इज इक्वल टू थ्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम, इनमें से कौन सा जो है इसका एम का डिटरमिनेंट है वो 3 है। ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। ये जो है दोबारा से रिपीट है, ये नॉन लीनियर है, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है, सिंस वेक्टर 2 3 1 डज नॉट लाई इन द स्पैन, ये पहले भी आया, ऊपर भी दोबारा से रिपीट होके आया है, तो इंडिपेंडेंट इसका आंसर है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द वैल्यू ऑफ टी, ये पहले भी ऊपर आया था, वहाँ भी ये मेंशन नहीं था, इसका आंसर सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो देख लें आप इन दोनों को जब करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी। ये 4 ऑप्शन है इसके में से, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, इसका तो है, इसका एक्स की वैल्यू जो है ये यहाँ पे 1 होगी। नेक्स्ट आ गया है, ये जो है सिस्टम इक्वेशन जो है कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस वेरिएबल फ्री वेरिएबल, तो ये गारंटी द कंसिस्टेंसी करता है, ये इसका ऊपर कई दफ़ा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पैन वुड बी द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये भी पहले ऊपर आया, दोबारा से आया रिपीट होके, तो इसका ये होगा इधर स्पैन, ये इसका आंसर है, तो ये वाला थर्ड, तो ये एक इक्वेशन है, B1 B2 बिलोंग्स टू, क्या किससे करेंगे बिलोंग, -2 5 और 3 1, ये यहाँ पे होगा, ये वाला फोर्थ, इसका यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, वो इसका आंसर होगा फोर्थ वन, ठीक है। इस तरह से देखते हैं, -2 5 होगा इस तरह से पहला, दूसरा होगा 3 1, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये फोर्थ, ये यहाँ पे ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट आंसर है। ये इसमें भी कितनी पिवट पोजीशन है, ये 3 है, इसकी 3 कॉलम है, 3 पिवट पोजीशन है, 3 इसका आंसर है। ये एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 1, ये 1 मिनट सॉरी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल हैव द नॉन ट्रिवियल इन सॉल्यूशन,
इनमें से दो ऑप्शन है जो कह रहे हैं, इनमें से कौन से का नॉन ट्रिवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, ये इसका होगा नॉन ट्रिवियल, ये ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल होगा क्योंकि ये 0 के इक्वल है, ये नॉन ट्रिवियल होगा। ये इसके दो ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसका देखें 2 कॉलम्स, 2 × 2 है, अरे एक सिंगल रो है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, वही वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू किसके होगा। तो ये दोनों आपस में होते हैं, ये इस तरह से, ये यहाँ पे ऑप्शन इसका ऊपर है, इसका आंसर इसका नहीं मेंशन किया हुआ। चलो, फिर एक और क्वेश्चन है, इफ ए टी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स देन ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, वो होगा 4 और -8। ठीक है, ये इसका आंसर जो है, नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, ये नीचे वाले का है। ये क्वेश्चन है, इफ ये एक 2x 8y+4x, ये दो इसकी 2 × 2 भी है, इज इक्वल टू 16 8 0 7, देन एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी, तो एक्स वाई की वैल्यू होगी 4 और -8। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। फिर ये क्वेश्चन है कि ये 3 × 2 की मैट्रिक्स है, 0 0 सारी है, इज एन एग्जाम्पल, अब ये कौन सी किस तरह की है, ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स है, सारी जीरो है। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग से ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री वेरिएबल, ये पहले भी है, गारंटी दी कंसिस्टेंसी करता है, फिर ये वही वाला है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रो इक्विवेलेंट इन, ये इसमें रो इक्विवेलेंट कौन सा होगा इनमें से। तो ये इसके तीन ऑप्शन जो हैं, तो ये वाला जो है, ये 1 3 2 4, ये इसका रो इक्विवेलेंट होगा, 1 3 2 4। ठीक है जी, फिर ये क्वेश्चन है, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस आर डैश रिस्पेक्टिवली, ये क्या होते हैं, अनडिफाइंड 0 0 एंड अनडिफाइंड बोथ अनडिफाइंड। तो इसका पहला आंसर है, तो इसका आंसर भी नहीं लिखा हुआ, जिसके हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये दो ऑप्शन थे, तो ट्रिवियल इसका होगा, ये नॉन ट्रिवियल होगा क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था जो आपको दिखाया है, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे क्विज़ में, मिड टर्म से पहले क्विज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।